हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ की। स्पेशली लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है, अपन जब उन पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे थे, अपन ने तीन टाइप की पॉपुलेशन ग्रोथ की बात की थी, ज्योमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक ग्रोथ। रियलिस्टिक भी कहते हैं इसको अपन। रियलिस्टिक कारण ये है इसके अंदर कि काफ़ी बड़े एरिया, यानी कि ये पिक्चर क्लियर करती है उस ग्रोथ की, यानी कि उस पॉपुलेशन या हम कह ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की, ये काफ़ी बड़े एरिया को कवर करती है, इसलिए ये रियलिस्टिक कहलाती है, क्योंकि काफ़ी एरिया आ गया। अगर हम उसकी लाइफ टाइम को अगर 100 मानते हैं, तो करीब 70% एरिया को कवर कर लेती है, तो इसलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हर पॉइंट नेचुरल जो भी प्रोडक्ट हैं, उन सभी के अंदर ये लॉजिस्टिक ग्रोथ काफ़ी वर्क करती है। तो आज अपन इसी को समझेंगे कि किस टाइप से वर्क करती है ये, इसका ग्राफ किस टाइप से बनता है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ पे अगर अपन बात करें, लॉजिस्टिक कर्व की अगर बात करते हैं, तो स्पेशली इसके अंदर जो टर्म दी जाती है, ये हो कहती है सिग्मोइडल, सिग्मोइडल या एस शेप। अब सिग्मोइडल और एस शेप के कारण से इसका, अब अगर मैं ग्राफ अपन देखें इसके अंदर टाइम के साथ में, अगर पॉपुलेशन के साथ देखते हैं, तो ये स्पेशली इस टाइप से बनता है। तो यानी कि पहले इसके अंदर स्लो होती है, फिर इसमें तेजी से होगी, फिर ये एक स्टेशनरी कंडीशन में, यानी एक जगह पे स्टेबल कंडीशन आ जाती है, ये कंडीशन इसके अंदर रहती है, तो एस शेप इसको कहते हैं। ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लगभग सभी ऑर्गेनिज्म में ये कंडीशंस मिलती हैं, जैसे चाहे वो आपके ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग के अंदर है, या हम कहें प्रोटोजोअन्स हैं, प्रोटोजोअन्स है, यीस्ट है, बैक्टीरिया है, सभी के अंदर लगभग आप, या शीप हैं, या आप कोई भी एनिमल जितने भी हैं अपने, उन सभी के अंदर ही कंडीशन दिखाई देती है। अपन नॉर्मली जो पढ़ते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर, कल्चर जब हम पढ़ते हैं उसका, बैक्टीरिया कल्चर जब हम करते हैं तब उसके अंदर उसकी स्टडी करते हैं, और एक हम प्लांट ग्रोथ की जब बात करते हैं, तो ये सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व की जरूर बात करते हैं। तो दो पॉइंट हमारे पास में रहते हैं। अगर मैं एक टिपिकल बैक्टीरिया कल्चर की बात करूं, बैक्टीरिया कल्चर की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसकी जो लाइफ साइकिल होती है, स्पेशली अगर अपन देखें उसके अंदर, तो उसके अंदर अभी अपन देख लेते हैं, उसके अंदर तीन कंडीशंस आपके मिलती है स्पेशली, और अगर पूरी लाइफ साइकिल को अगर अपन देखते हैं, तो फोर कंडीशंस मिलती है अपने पास में। तो पहली कंडीशन अपने पास में होती है लैग फेज होती है। लैग फेज स्पेशली क्या होता है कि एडेप्टेशंस होता है, ठीक है ना, वो जो सेल है उस क्लाइमेट को अडेप्ट कर रही होती है और मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ये मेटाबॉलिक एक्टिव होती है, एडेप्टेशन है स्पेशली, ये एडेप्टेशन है ये स्टेज के अंदर। दूसरी जो स्टेज होती है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से जो होती है, पर सेल डिवीजन चलता है कंटिन्यू, कंटिन्यू सेल डिवीजन चलता है। थर्ड जो होती है स्टेशनरी फेज होती है, स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती है, तो इससे इसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। और फोर्थ जो होती है वो डेथ फेज होती है। तो स्पेशली अगर मैं बात करूं यहां पे, तो हम जब ग्रोथ कर्व की बात जब कर रहे होते हैं, तो इसमें लैग फेज, एक्सपोनेंशियल और स्टेशनरी फेज की बात कर रहे होते हैं, इसमें डेथ फेज की बात नहीं कर रहे होते हैं। ये सभी कंडीशंस के अंदर मिलता है। और अगर अपन अभी कोविड की अगर बात कर रहे होते हैं, तो कोविड में भी आपको ये दिखाई देता है। पहले अपन अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात करें, टिपिकल ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था, उसके ऑर्गेनिज्म के अगर हम पॉपुलेशन की डेंसिटी की बात करते हैं, तो ये इस टाइप से, तो ये जो एरिया है ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है ना,
ये लैग फेज है जो मैंने बताया कि एडेप्टेशन के अंदर होता है, ये स्टेशनरी फेज है जिसमें अनफेवरेबल कंडीशन आती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और डेथ फेज हो जाती है। इसकी बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे होते हैं कर्व के अंदर, ठीक है। ये पूरा उसकी बैक्टीरिया पॉपुलेशन की जो है, ऑर्गेनिज्म की जो आपकी कर्व है, ग्रोथ कर्व है, वो दिखा रहा है ये, ठीक है ना। तो इस चीज़ के अंदर आपको ये ध्यान में रखना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है हमारे पास में कि कहाँ तक कौन से ग्राफ को अपन मान रहे हैं। तो कर्व जो हम एक्सपो आपके लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ तक इस चीज़ को पिक्चर को देखते हैं, क्योंकि ये पूरा इस एक ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में बता रहा होता है। दूसरा अगर मैं इस पे बात करूं, तो इसके अंदर जो हाफ, जैसे ये जो मैं पॉइंट दे रहे हैं के से रिप्रेजेंट के कैरिंग कैपेसिटी होती है, इस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, आपका हम टॉपिक की बात करें। कैरिंग कैपेसिटी जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो एक नेचर के साथ उसको कनेक्ट किया गया है, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो इस जो ऑर्गेनिज्म होती है इसका पीक पॉइंट होता है स्पेशली। तो ये दोनों साथ चलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो अप डाउन हो सकती है, ठीक है ना। जब वो कैरिंग कैपेसिटी एक है जिससे पॉपुलेशन हाई जाएगी तो उसको कंट्रोल किया जाएगा, वो नीचे वापस आ जाएगी। तो ये एक पॉइंट हमेशा ध्यान। और अगर हाफ कैरिंग कैपेसिटी की कंडीशन जब आती है, जब यानी कि हाफ कंडीशन होती है कैरिंग कैपेसिटी, उस टाइम मैक्सिमम यानी कि उसकी ग्रोथ होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसी टाइप से अगर मैं कोविड के अंदर बात करता हूँ, तो कोविड में भी वही कंडीशंस हमें दिखाई देती है। मैंने जब पहले अपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की बात की थी, तो कोविड के अंदर का उसका जो स्प्रेडिंग है वो एक्सपोनेंशियली है, लेकिन उसकी डिजीज की जो इन्फेक्शन कंडीशंस हैं वो आपके लॉजिस्टिक कंडीशन के अंदर है। अगर मैं अब बात करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं ये देखो ये येल्लो कलर के अंदर इस पे अगर हम देखते हैं, तो ये जो है वो आपके क्यूमुलेटिव इन्फेक्शन वाली कंडीशंस है। ब्लू है ससेप्टेबल जो हैं वो हैं करंट जो इन्फेक्टेड है, वो रेड है, ठीक है ना। और जो नो लॉन्गर इन्फेक्ट, जो लंबे टाइम तक नहीं रहा जिनमें इन्फेक्शन, वो आपके ग्रीन कलर के अंदर है। तो क्यूमुलेटिव अगर आप देखते हो तो सिग्मोइडल है, और नो लॉन्गर इन्फेक्शन है वो भी सिग्मोइडल है। तो ये दोनों कंडीशन सिग्मोइडल कंडीशन रहती है, जो अपन जैसे न्यूज अपन देख रहे थे उसके अंदर अपन बात कर रहे थे, तो साइंटिस्ट जो कह रहे थे या न्यूज के अंदर जो आ रही थी न्यूज अपने पास में, वो आ रही थी कि पीक पॉइंट कौन सा है। वो पीक पॉइंट है कि वो कैरिंग कैपेसिटी के बराबर जब चला जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, यानी कि उसकी ग्रोथ वो उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद वो जैसे इस टाइम जैसे कंडीशन सब कोविड की कम हो गई, तो इस टाइप से उसकी ग्रोथ होती है, स्पेशली अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात करता हूँ तो कम हो जाती है बाद में जाके, जो बैक्टीरिया के अंदर पन देगा। तो सभी लगभग सभी जो नेचर के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के अंदर आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ मिलती है। तो सबसे पहले अपन बात करें बायोशूटर क्लासेज, जो हमारी क्लासेज होती है इसमें सभी टाइप के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनकी, और जो बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी है, नीट है, 11th 12th है, क्योंकि 11th 12th इसलिए कराते हैं जिससे नीट के अंदर वो हेल्प करते हैं। तो जैसे नीट की हम तैयारी करवाते हैं, बीएससी की क्लासें, एमएससी की क्लासें, और आपके नेट की क्लासें चलती हैं। तो आप इससे कनेक्ट होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल माइक्रोसॉफ्ट टीम लोड करनी है और आपको हमारे पास में मेल भेजना है। हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है मेल आईडी पर, उस पर आपको हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं है। बेसिक बायोलॉजी हम एक्सप्लेन करते हैं आपको, और जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो शायद आपको भी मिलेंगे, हम अच्छी तरह कह सकते हैं, समझा सकते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल हमारे क्लास में मिलेगा। और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। तो और इसके साथ हम उन सभी को थैंक्स जरूर देंगे जिनका एक टॉपिक हमने रीड किया और अब हम आपको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं उसके कारण से, कि उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक तैयार किया था। तो आगे चलते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की बात करूंगा कि एनसीईआरटी क्या कहती है। तो एनसीईआरटी में लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो उन्होंने कहा है कि रियलिस्टिक ग्रोथ है, स्पेशली कर्व है। रियलिस्टिक तो होना ही है, क्योंकि मैंने कहा कि जब आप
फोर स्टेजेस की हम बैक्टीरिया की बात करें, उसमें थ्री स्टेजेस फेजेस को वो कवर कर लेता है, एक फेज को कवर नहीं। तो रियलिस्टिक पिक्चर तो आपकी ग्रोथ की पहले दिखाई दे जाएगी, तो इसलिए रियलिस्टिक। मैं आपको एक क्लाइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको ये समझ में लाइट्स बन क्यों रहे हैं। दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। एक्सपोनेंशियल के हम अंदर हमने बात की थी अनलिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि लिमिटेड लाइफ भी तो लिमिटेड है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। अनलिमिटेड की बात जब कर रहे होते हैं तो हम उसमें शॉर्ट एरियाज के अंदर जब बात कर रहे होते हैं, तो अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उसमें कंपटीशन जरूर आएगा। कंपटीशन आएगा तो उसके अंदर वो कंट्रोलिंग करेगा, ठीक है ना। ये आपके हमने जो बात की लिमिट्स एज नेचर, अब ये जो लाइन है ये स्पेशली हमें तंग करती है, लिमिट एज नेचर कैरिंग कैपेसिटी। यहां पर इन्होंने कहा कि जो नेचर की लिमिट है वो कैरिंग कैपेसिटी है, ऐसा नहीं है, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी के अंदर ही इन्होंने इस चीज को समझा रखा है कि ये लाइन इनकी सही नहीं है। हाँ, वो उसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन कैरिंग कैपेसिटी अलग चीज है, नेचर के साथ में नेचर का लिमिट नहीं होती वो, स्पेशली वो उसकी मैक्सिमम रेट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की उस ग्रोथ के अंदर, ठीक है ना, कैरिंग कैपेसिटी। अब इस इन्होंने जो कहा सिग्मोइडल कर्व है, दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड द वरहोस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। और वरहोस्ट जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1838 के अंदर इसको बताया था, ठीक है ना। एक आपके एक सिंगल जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर वर्क किया था, और पर्ल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1920 के अंदर वर्क किया था अमेरिकन पॉपुलेशन के अंदर, तो दोनों को जोड़ के इन्होंने उस चीज को टर्म दिया है डीएन अपॉन डीटी इक्वल टू आरएन। अब आर अपन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर पहले बात की थी, बर्थ माइनस डेथ की बात की थी, यहां पर हमने उसकी कैरिंग कैपेसिटी के साथ उसको कनेक्ट कर दिया है, तो एन इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टी टाइम, आर जो है इंट्रेंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीज है, और के है कैरिंग कैपेसिटी, के माइनस एन ऑब्लिक के, या हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब k के साथ अगर मैं माइनस कर देता हूँ वन माइनस, ठीक है ना, n ऑब्लिक के, क्योंकि अगर मैं k को k के साथ रखता हूँ तो ये वन बन जाता है ना, तो ये वन माइनस, इस टाइप से हम भी इसको रख सकते हैं। ये मैथमेटिक्स के जो अपने सिंपल से रूल्स होते हैं वो रूल्स हैं। अब यहाँ पे कर्व शोज, उन्होंने एनसीईआरटी ने बताया क्या क्या शो कर रहा है, कर्व जो शो कर रहा है तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि सबसे पहले उन्होंने लैग्रेंज की बात की है, ओके, दूसरे में एक्सीलरेशन और डेसीलरेशन की बात की है, या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात नहीं की है, फेज की बात नहीं की है, उन्होंने दो उस एक्सपोनेंशियल फेज को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। और थर्ड है एसिम्प्टोट कंडीशंस। एसिम्प्टोट कंडीशन वो होती है जहां पर मैं आपको ये चीज बता रहा था, जब कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, कैरिंग कैपेसिटी इसको टच नहीं करती है, इसके साथ साथ चलती है, वो जो दो लाइनें हैं यानी कि दो आपकी लाइंस हैं जो जुड़ेगी नहीं आपस में, वो सिम्प्टोट कहलाती हैं स्पेशली, ठीक है ना। क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी वो कंडीशंस हैं, वो जगह है जहां तक उसकी ग्रोथ हो सकती है, मैक्सिमम ग्रोथ हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रख। तो यहीं पे ये दो दोनों जो थे ना, लिमिट एज नेचर और एसिम्प्टोट, दोनों ही यहाँ पे आपके दोनों ही चीजें आपस में क्रॉस कर जाती हैं, कि एक जगह तो वो ये चीज कह रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये हुआ, ये आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है, वो ये चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा है। अब एनसीईआरटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसने ना तो लैग फेज की बात की है, ना एक्सीलरेशन और डिसलरेशन की कुछ एक्सप्लेन किया है, ना ही उसने एसिम्प्टोट के बारे में कोई भी एक्सप्लेन किया है कि ये क्या चीज कहना चाहता है। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो इन चीजों को एक्सप्लेन करता हुआ समझा रहा हूँ आपको। स्पेशली जो लॉजिस्टिक फंक्शन है, लॉजिस्टिक कर्व जो है, वो स्पेशली जहां पर इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, जहां पर डिसिप्लिन है, वहां पर इसको मैक्सिमम यूज किया जाता है, यानी जिसके अंदर डाटा फिक्स है, परफेक्ट डाटा है, या हमें बहुत अच्छी तरह से उस चीज को समझने के लिए जरूरी है, जैसे स्टैटिक्स है, डेमोग्राफी है, इकोलॉजी है, जियोसाइंस है, बायोमैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है,
इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, कंप्यूटरिंग है, आपके आर्टिफिशियल नेचुरल नेटवर्क है, सभी के अंदर ये ग्राफ मिलता है। मैंने आपको स्टार्टिंग कहा कि नेचर के अंदर जितने भी वर्किंग है उसमें सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व होता है। आप चाहे आपकी वर्किंग स्टाइल देख लीजिए, आपके स्कूल के अंदर जब जाते हैं तो आप स्टार्टिंग करते हैं तो स्लो करेंगे, फिर एकदम से एक पीक पॉइंट आएगा, फिर आपकी थोड़ा स्लो हो जाएंगे। इसी टाइप से सब जगह आपको ये ग्रोथ आपको दिखाई देती है। लॉजिस्टिक मॉडल वर्क विद द पियर्स फ्रेंस्कोइस वर्ल्ड हॉस्ट, ये का पूरा नाम है, ठीक है ना। इन्होंने कहा सेल्फ लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल विद फंक्शन ए कर्व द एक्सप्रेस द सिग्मोइडल शेप, ठीक है ना। इन्होंने एक सेल्फ लिमिटिंग पॉपुलेशन थी उसके ऊपर वर्क किया, जो इन्होंने फार्मूला लिखा, इंटीग्रल फार्मूला था m ऑब्लिक 1 प्लस e अल्फा x माइनस x जीरो। अब यहां पर जो फंक्शन है उसकी बात कर रहे हैं अपन, फंक्शन में m जो है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू है उस वर्क की, ठीक है ना। 1 प्लस e जो है वो मैंने कहा लॉगरिदम है, ठीक है ना। अल्फा जो है वो कर्व की स्टिफनेस है, ये कितना स्टिप कर रहा है, ठीक है ना, ये उसकी स्टिफनेस है। एक्स जो है वो है मैक्सिममली रेंज जो है इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। और एक्स जो है मिड पॉइंट सिग्मोइडल कर्व का, जिसमें मैंने पहले बताया एसेलरेशन और डिसेलरेशन के अंदर का जो मिड पॉइंट है वो है, ठीक है ना, एक्स जीरो। ये जो फार्मूला है वो इंटीग्रल फार्मूला है। और ये जो अपन ने बात की थी dn अपॉन dt r माइनस के मतलब n ऑब्लिक के, ये डिफरेंशियल फार्मूला है। दोनों ही टर्म्स अलग अलग मैथमेटिकल टर्म्स है, क्योंकि मैथमेटिक्स के, क्योंकि ये जो फार्मूला बना है वो डेरिवेशन किसकी थी, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे बना हुआ है ये फार्मूला। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट के हिसाब से है ये, स्पेशली आपके उसमें नेट में तो नहीं आएगा, लेकिन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन से फॉर्मेशन हुआ है, डराइव हुआ है ये स्पेशली। और एक सबसे अच्छी जो चीज आप ये देखेंगे, ये फार्मूला जो इंटीग्रल फार्मूला है ये बनाया था वर्ल्ड हॉस ने, और जो अपन dn अपन dt rn माइनस के है, ये जो बनाया है फार्मूला, जो आपका डिफरेंशियल फार्मूला है, वो जो फार्मूला है वो आपके लॉट का एंड वर्ल्ड क्या वोल्टेरा जो थे उन उनके द्वारा फॉर्मेशन किया गया था, और ये अमेरिका की जो डेमोग्राफिक आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ थी उसके ऊपर भी बनाया गया था। ये हमारा एनसीईआरटी का पॉइंट था, जिसके अंदर हमने पहले जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर बात कर ली थी, यहां पर यही तो अंतर डिफरेंस आ रहा था उसमें कैरिंग कैपेसिटी। ये बस आपको ये ध्यान में रखना है, ये इसके साथ साथ है। एसिम्प्टोट की बात करते हैं, अगर हम टॉट की बात करते हैं तो ये साथ में नहीं हो सकता, ठीक है ना। एनसीईआरटी खुद ही लिख रही है उसको, एसिम्प्टोट होगा तो आपस में जुड़ नहीं सकती लाइनें। आगे देखते हैं अपन, अगर मैं ग्रोथ यीस्ट के अंदर बात करता हूं तो उसके अंदर टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितनी तेजी से अगर ग्रोथ होती है, ठीक है ना, उतना ही वो ग्राफ शार्प होता है, स्टिफनेस होती है उसके अंदर, जितनी धीरे रहेगी उसके। अभी इसका भी कारण समझा दें कि पॉपुलेशन के अंदर हम नॉर्मली देखते हैं कि कम से ज्यादा ऐसे अब होती रहती है, तो हमको ये सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व दिखाई नहीं देता, उसका कारण भी अभी आपको हम समझा देंगे। ये ऑस्ट्रेलियन आइलैंड के ग्रोथ हमने शिप के अंदर देखी थी कि जब उसको वहां पे रखा गया तो उस टाइप से उसने ग्रोथ की थी। लॉजिस्टिक ग्रोथ अकर वेयर द लिमिटेड रिसोर्सेज है, कहाँ होगी, लिमिटेड रिसोर्सेज में होगी, ये हमेशा ध्यान में रखना है। और कैरिंग कैपेसिटी का अपर बाउंड्री फॉर द पॉपुलेशन साइज, उसकी अपर बाउंड्री, अपर लिमिट जो है, ठीक है ना, साइज की, यानी कितनी ग्रोथ होगी, यानी 100 होगी, 200 होगी, 300 होगी, जैसे मैंने अभी कोविड के अंदर अपन बात की, मैक्सिमम कितनी ग्रोथ उस टाइम के अंदर, वो कैरिंग कैपेसिटी होती है अपर लिमिट। लॉजिस्टिक ग्रोथ अकर फॉर द बोथ द पीरियोडिक एंड द कंटिन्यूअस ब्रीडर, दोनों के अंदर मिलेगा। तो डीएन अपॉन डीटी क्या है, रेट ऑफ द पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन में, आर एन, आर का मीनिंग क्या था यहाँ पे, पर कैपिटा रेट ऑफ द पॉपुलेशन,
के माइनस एन ऑब्लिक के, तो के एन तो क्या था, पॉपुलेशन साइज, और ये थी कैरिंग कैपेसिटी। अभी जो फार्मूला है इसको अपन कैसे यूज करते हैं ये अपन को समझना है, क्योंकि ये चीज अगर हमको समझ में नहीं आती तो हम इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है ये समझ में नहीं आता। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो के कैरिंग कैपेसिटी 1000 है, क्योंकि मैंने कहा कि वहां पे अगर जो हम नेचर की बात कर रहे हैं तो कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, यानी कि वो मैक्सिमम ग्रोथ उसकी हो सकती है, तो हाँ 1000 तक हो सकती है उसकी ग्रोथ। तो के जो था वो 1000 है, पॉपुलेशन साइज उसकी उस टाइम 100 थी, आज जो है वो 10% है। तो वो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर निकालना बताया था कि उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे होते हैं, तो 1000 कैरिंग कैपेसिटी है, तो अगर हम 10 की अगर बात करते हैं तो 0.1 बन जाता है वो, ठीक है ना। 1000 से मैं डिवाइड करूंगा तो 0.1 बन जाएगा, तो आर जो है वो 0.1% है। डीएन अपॉन डीटी, अब चेंजेस क्या हुआ, 0.1, आर जो था वो 0.1 है, 100, एन जो है 100 है, इंटू 1000 माइनस 100, इसको सॉल्व करते तो 9 आता है, ठीक है। उसी टाइप से अगर मैं बात करूं कि के तो 1000 है, पॉपुलेशन हो गई आपके पास में 500 और आर वही 0.1 है, तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो 25 आता है, क्योंकि अब बीच में कंडीशन आ गई है इसकी, ठीक है ना। तो 25 पॉपुलेशन बढ़ गई है, यानी मैंने आपको पहले बताया था कि जो जो ग्राफ होगा फर्स्ट बीच में जो कंडीशन आएगी वो मैक्सिमम कंडीशन आएगी, जिसको आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। अभी अपन उसके डायग्राम भी देख लेंगे। के जो है 1000 है, पॉपुलेशन 900 है, 0.1 आर है, तो उसकी पॉपुलेशन होगी 9, यानी कि आप इस चीज को देखेंगे कि पहले जब 100 थे मेंबर्स, ठीक है, पॉपुलेशन जब 100 थी तो ग्रोथ होती है तो 9 की होती है, जब 900 हो जाती है पॉपुलेशन तो भी ग्रोथ जो होती है वो 9 की ही होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उस वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, जो उसका मिड पॉइंट होगा 500 था तब मैक्सिमम ग्रोथ थी। ये चीज इसके अंदर समझने की होती है, ये केवल आप जब एग्जाम्पल उसके देखेंगे तभी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आती है ये। अगर अब मैं इसको 925 और 9 है तो यहाँ पे तो इक्वल लग रही है अपन को, लेकिन ऐसा नहीं है, परसेंटेज वाइज ये पॉपुलेशन जो होती है जब कम होती है तब वो ज्यादा होती है। ग्रोथ इज द ग्रेटेस्ट एट द लोअर वैल्यू ऑफ द एन, कैसे, अब कैसे ग्रोथ, क्योंकि 9 हुआ वो 100 पर 9 था, तो 100 पर 9 का मतलब 9%, जब आप इसको परसेंटेज निकालोगे 100 था तो भी 9 पॉपुलेशन बन रही है, बढ़ रही है, तो 9% की ग्रोथ हुई, ठीक है ना। तो जब लोवेस्ट है तो जो ग्रोथ होगी वो ग्रेटेस्ट होगी, ठीक है ना, यानी पॉपुलेशन की साइज अगर छोटी है तो पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग मैक्सिमम होगी, समझ रहे हो मेरी बात को। ये पॉइंट समझने के हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द 25 इंडिविजुअल फॉर द पॉपुलेशन 500 को अगर मैं परसेंटेज निकालता हूं तो 5% होती है, और 900 के ऊपर 9 की परसेंटेज निकालते हैं 1% होती है। तो सीधी सी पिक्चर होगी, जब पॉपुलेशन कम है तो ग्रोथ रेट जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है ना। और मैक्सिमम अगर मैं पूरी उस ग्रोथ पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं तो मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम जो होती है, जो आपकी कैरिंग कैपेसिटी हाफ होती है। आज तो हम बात करते हैं कि द कर्व ऑफ द डीएन अपॉन डीटी हैज द मैक्सिमम एट द इंटरमीडिएट पॉपुलेशन साइज एन इक्वल टू के ऑब्लिक 2, यानी कि हाफ जो कैरिंग कैपेसिटी हाफ होगी तो पॉपुलेशन मैक्सिमम होगी उसकी, हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी। दिस इन्फ्लेक्शन पॉइंट सेपरेट द अर्ली एक्सीलरेशन फेज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर द लेटर द डिसेलरेशन फेज, जो एनसीईआरटी ने कहा है, जो उस एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ उस चीज की मैं बात कर रहा हूं कि ये वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो सेंटर में मैं बात कर रहा था, यहां से इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यहां तक एक्सेलरेशन होता है फिर डिसेलरेशन होता है या डिक्रीज होगी फेज, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यू ग्रोथ नहीं कर रहा, जैसे अपन बात करें यहां से डिक्रीज स्टार्ट हो, जो मैंने अभी बात की थी कि 25 था यहाँ पे, फिर 9 हुआ था, पहले 9 था, अब परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज वाइज देखता हूँ तो ग्रोथ होती है, वहां पे
कौन सा था यहाँ पे, अपने 5 था, यहाँ पर 9 था, यहाँ पे 1 रह गया था। परसेंटेज ग्रोथ कम होती चली जाती है, लेकिन नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं मिड पॉइंट अंदर, इसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से यहां तक। अगर मैं आरएम की वैल्यू को मानता हूं, के साथ में अगर मैं वर्क करता हूं, तो इसमें सिग्मोइडल ग्रोथ बन रहा है। अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी को पर कैपिटा के साथ में ग्राफ बनाता हूं, तो इस टाइप से ग्राफ तैयार होता है, जिसके अंदर आरएम की वैल्यू इक्वल हो जाती है जब के की वैल्यू कम होती है। या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी जब कम होगी तो आर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये आप हमेशा, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो आर मैक्सिमम है और कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना होता है। अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी को चेंज द पॉपुलेशन डीएन अपॉन डीटी के साथ में करता हूं, तो ये आप देखोगे ये पॉइंट अंदर जाके ये इंक्रीज मैक्सिमम होता है। कैरिंग कैपेसिटी 50% होती, कम होती चली जाती है। पहले कैरिंग कैपेसिटी है, फिर हाफ होता है जो मैक्सिमम पॉइंट डेंसिटी आती है, फिर कम हो जाता है। ठीक है, अब आरएम जो है वो स्पेशली अगर कोई इफेक्ट नहीं है डेंसिटी का, वो रेट है। ठीक है ना, तो आर इक्वल टू आर एम 1 माइनस एन ऑब्लिक के। आर एम इज द ग्रोथ रेट व्हेन देयर आर द नो इफेक्ट ऑफ द डेंसिटी। इतनी कम डेंसिटी है, ठीक है ना, जिसके कारण से इतनी कम पॉपुलेशन कि उसकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, उसकी बात करें, और जो आर होता है वो ग्रोथ रेट पर कैपिटा होती है, आर इज डिपेंडेंट ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी। क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी होगी ज्यादा ग्रोथ रेट, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, के लार्ज एंड द एन जो होगा स्मॉल होगा। अभी अपन ने पहले बात की, तो जब ये दोनों कंडीशन आएगी जो अभी डायग्राम देखा था, तो आर इक्वल टू आर एम के बराबर है, नो डेंसिटी डिपेंडेंट इफेक्ट, यानी कि डेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज के ऊपर। अब इसी फार्मूले को डीएन अपॉन डीटी आर एम एन माइनस, अब ये वही फार्मूला है, कोई अंतर नहीं आया है। अगर मैं इसको आर एम और एन को बाहर निकाल लेता हूं, तो 1 माइनस एन ओपन किया गया, और इसी को मैं अगर इसके साथ मैं रखता हूँ के माइनस एन, वही फार्मूला बन जाता है। मैंने तीनों फार्मूले यहाँ पे लिख दिए जो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। रेट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन डीएन अपॉन डीटी क्या है, इक्वल टू द बायोटिक पोटेंशियल माइनस, बायोटिक पोटेंशियल है उसमें से माइनस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द ग्रोथ दैट द क्रिएट बाय द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन द्वारा रेजिस्टेंस क्रिएट की जाएगी वो उसमें से माइनस कर दो, वो उसकी रेट निकल जाएगी पॉपुलेशन की। अब वो क्या चीज है, पॉपुलेशन की जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, डेंसिटी डिपेंडेंट इफेक्ट है, वो आर एन आर एम माइनस एन स्क्वायर अपॉन के। ये जो चीज होती है, ये जब कंडीशंस क्रिएट होती है, जब रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तब हमारे बीच में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्रिएट होता है, जो कि डार्विन ने जिसको टर्म दिया था स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। चीजें वही हैं, उस कर्व के साथ जुड़ा हुआ है आपका पूरा पॉपुलेशन की या हम कहें ग्रोथ की सारी कंडीशंस। इसलिए केवल ये ग्राफ पढ़ने से काम नहीं चलता है, आप उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे, जिससे वो चीजें सारी पूरी तरह से आपको पूरी इकोलॉजी का जो बेस है वो समझ में आ जाता है। द शेप ऑफ द कर्व डिपेंड ऑन द स्टार्टिंग डेंसिटी एन जीरो एंड द फाइनल डेंसिटी ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी। ओके, द स्टिफनेस ऑफ द कर्व इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द इंट्रेंसिक रेट ऑफ द इंक्रीज। आर एम जो होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी उसकी स्टिफनेस। अब क्या कंडीशंस आती है, अगर आर एम के ऊपर हम बात करते हैं, अगर आर एम कम है तो आपकी जो नॉर्मल ग्राफ जो होता है वो होगा। अगर आर एम बढ़ जाता है 1 से ज्यादा हो गया, तो उसमें जो कर्व अप डाउन जो होगा, कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर जाएगी तो वापस पॉपुलेशन नीचे चली जाएगी, इस टाइप से वो कर्व चलता है। अगर हम और अगर उसकी बढ़ जाता है 2.3 हो जाता है, तो ये जो कंडीशन होती है अप डाउन की, ये मैक्सिमम हो जाती है 2.9 पे, और ज्यादा हो जाती है। यानी कि जितनी आरएम होगी, ठीक है ना,
उसके हिसाब से पॉपुलेशन का हाई एंड लोएस्ट पॉइंट क्रिएट होता है। ये पॉइंट आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर आपको ध्यान में रखने होते हैं कि क्या क्या चीजें, किस कि क्या क्या पोजिशन है, किस स्टेप्स इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।